मैं वैरागी लेके चल रहा हूँ आपको वैरागी की दुनिया। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ पंच केदार यात्रा पर। सही सुना आपने, केदार एक नहीं पांच है। इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा और दर्शन करवाऊंगा। जुड़े रहिएगा अंत तक, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। पंच केदार यात्रा की शुरुआत हमारी हरिद्वार से होनी थी, जिसके लिए मैंने कश्मीरी गेट बस स्टैंड से हरिद्वार की बस ली, जो कि 3 से 4 घंटे के अंदर आपको सुबह 3 से 4 बजे तक पहुंचा देती है। अब तक लोग कुछ महीनों में पंच केदार की यात्रा पूर्ण किया करते थे, लेकिन आज मेरे साथ मैं और आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे सबसे कम समय में आज तक जिसने भी पंच केदार यात्रा की हो। पंच केदार यात्रा में सर्वप्रथम आते हैं हमारे केदारनाथ महादेव जी, जहाँ तक जाने के लिए हमने हरिद्वार से काफ़ी बसें ढूंढी, लेकिन जिस समय में मैं पहुंचा था उस समय में बसें ओवरलोडेड फुल्ली जा रही थी, मुझे बिल्कुल भी सीट नहीं मिल रही थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद अंततः एक बस मिली। मैंने कहा था ना, मुश्किलें भी हैं और महादेव भी हैं साथ में। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की बस का किराया 550 रुपये था। रास्ते में हमें सर्वप्रथम चार धाम की धारी देवी माँ के दर्शन हुए, जिनसे मैंने आज्ञा ली कि मेरी इस यात्रा को पूर्ण करें और रक्षा करें। कुंड से होते हुए, गुप्त काशी होते हुए हम पहुंचे सीतापुर बस स्टैंड, जहां पर बस ने हमें उतार दिया, जहां से हम अपना झोला लिए और चल पड़े। सो अभी पीछे जो आप देख रहे हो ये है सीतापुर बस स्टैंड, जहाँ से अभी हमें बस ने छोड़ा है। यहाँ से हम ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का वॉक है, यहाँ से सोनप्रयाग का, जहाँ पे वॉक करके जाएंगे, वहाँ से हम गौरीकुंड के लिए 50 रुपये की शेयर टैक्सी लेंगे। यहाँ पे आप परमिट बनवा सकते हो ऑन द स्पॉट, अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करके आते। बट एक लिमिट होती है रजिस्ट्रेशन की, अगर वो लिमिट एक्सीड होती है तो आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे। सो इट्स बेटर कि आप पहले से परमिट बनवा के आओ, जैसे कि मैंने बनवाया। केदारनाथ के कपाट खुलने के प्रथम दिवस पर मैं जब पहुंचा था यहाँ पर, तब लाखों की भीड़ थी और आज मुझे खाली देखकर बहुत ही सुकून मिल रहा था। सीतापुर बस स्टैंड से सोनप्रयाग तक लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमें मिली टैक्सी, जो कि शेयरिंग टैक्सी थी, 50 रुपये जिसका किराया था, जो कि हमें गौरीकुंड लेके गई। वैसे तो मैंने आपको सारी यात्रा की डिटेल्स वगैरह एक बार वीडियो डाल के दी हुई है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या फिर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको दिख जाएगी। ये है आपका गौरीकुंड, जहाँ से यात्रा हमारी शुरू होगी। थोड़ी मुश्किल है यहाँ पे लॉज वगैरह ढूंढने की। गौरीकुंड में जब हमारी रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाई तो हम सीधा बैग उठाए और चल पड़े महादेव की तरफ। आते ही यात्रा शुरू कर चुके हैं हम भोले का नाम लेके। मेरी ये यात्रा ऐसी यात्रा है जहाँ भोलेनाथ महादेव ने परीक्षा भी ली और साथ भी दिया। शरीर में अन्न का एक भी दाना सुबह से नहीं गया था, जिसकी वजह से शरीर में ताकत खत्म होती जा रही थी। फिर मैं अपने लंच का जुगाड़ ढूंढने लगा। अब हम ठहरे सात्विक भोजन वाले, ना हमें मैगी चाहिए, हमें सिर्फ पराठे और रोटी चाहिए। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर आ चुका हूँ मैं पराठा ढूंढते हुए, क्योंकि मैंने कुछ खाया ही नहीं है। जस्ट बस से उतरते ही चल रहा हूँ और अभी एनर्जी लो हो रही है, बट मुझे पराठा नहीं मिल रहा एनर्जी के लिए। देखो कितनी दूरी पे मिलता है। कुछ देर बाद हमें एक पराठे वाले मिले, जिन्होंने हमारे लिए स्पेशली पराठा बनाया। हमने चाव से खाया और एक पराठा ग्रहण कर हम वापस चल पड़े अपनी यात्रा की तरफ। थोड़ा सा कुछ इनपुट डाल के अपने शरीर में चल पड़ा हूँ फिर से यात्रा को कंटिन्यू करने के लिए। पंच केदार की कथा है कि महाभारत युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृहत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। पांडव भगवान शिव को खोजते हुए हिमालय पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे अंतर ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। पहली बार केदारनाथ यात्रा पे मैंने रेनकोट पहना है, ऐसा लग रहा हूं मैं। भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं के बीच चले गए। पांडवों को संदेह हुआ तो भीम ने अपने विशाल रूप धारण कर लिया। भीम ने 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए अपने। अन्य सब गाय बैल तो नीचे से निकल गए, लेकिन भगवान शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बैल पर झपटे तो बैल
भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर की बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। तो मुश्किल से लगभग 20 से 30 बैंड्स यानी कि ज़िगज़ैग पार करके मैं अभी आया हूँ। ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर रह गया यहाँ से हमारे जय श्री केदार जी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे संध्या काल हो चली थी और अंधेरा धीरे धीरे आने लगा। मैंने 2 बार और केदारनाथ यात्रा करी है और दोनों बार मेरे टांगों में रैशेज हो जाते थे क्योंकि मैं बारिश में लगातार चलता रहता था। लेकिन इस बार रैशेज ना हो इसलिए मैंने रेनकोट भी पहना, फिर भी मेरे रेनकोट के अंदर पानी आने लगा। तेज बारिश की वजह से रुके हुए हम टेंट पे। लेकिन जब बारिश के रुकने के आसार नहीं नजर आए तो अंत में मैंने फैसला किया कि अब यहाँ पर स्टे लिया जाए। थोड़ा बहुत बैक हील हो चुका है, मैं भी हील हो चुका हूँ, इस वजह से अब स्टे करने का मैंने फाइनल किया है। स्टे करते हैं। यह पूरा टेंट जो आप देख रहे हो 300% शेयरिंग बेसिस पे। लगभग सुबह 4 बजे के आसपास बारिश थमी, जिसके बाद मैंने मन बनाया चलिए अब शुरू करते हैं ऊपर चढ़ना। गुड मॉर्निंग, सुबह के 5:30 बज चुके हैं, अब बैग उठा के वापस चलते हैं दर्शन के लिए। टेंट से ऊपर जाएंगे, जितनी भी लाइट दिख रही है आपको पीछे, उसे ज़िगज़ैग क्रॉस करते हुए बेस कैंप है। बेस कैंप के बाहर लगभग 1 किलोमीटर और चलना है हमारे महादेव जी के पास। लगभग 5:30 बजे चलने की वजह से रास्ता पूरा खाली मिल रहा था, कोई भी रास्ते पर नहीं मिल रहा था, लेकिन चढ़ने में उतनी ही मुश्किल हो रही थी क्योंकि रात भर सोने की वजह से शरीर अकड़ गई थी। वापस शरीर को गर्म करने के लिए थोड़ा सा चलना ज़रूरी था। मेरी आंखों में मानो टाइम लैप्स फिट हो गया हो। जैसे जैसे मैं आगे चलता जा रहा था इतनी जल्दी सुबह होती जा रही थी। पीछे जो आप देख रहे हैं वो टेंट्स नीचे वाले, वहाँ मैंने स्टे किया था रात में 7 बजे और मॉर्निंग 4 बजे के आसपास बारिश बंद हुई है। 5 बजे के आसपास मैं वहाँ से निकला हूँ और अभी यहाँ पे आ चुका हूँ। और पीछे ज़रा नज़ारा देखिए, सनलाइट हिट हो चुकी है माउंटेंस पे। वातावरण में सभी चीज़ें आनंद देने वाली थी, लेकिन एक चीज़ थी जो दिल को परेशान करती जा रही थी, वो थी ये। पीछे देखिए कितना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। चलिए वहाँ से ध्यान हटाकर सिर्फ महादेव पर ध्यान लगाते हैं और दर्शन करते हैं हमारे केदारनाथ प्रथम केदार के। ये है पीछे हमारे केदारनाथ जी। पीछे अगर आप देखेंगे वहाँ पे है भैरवनाथ जी, जहाँ लगभग 500 मीटर की यात्रा होती है और आप भैरवनाथ के दर्शन कर सकते हैं। ऊपर है हमारे वासुकी तल, अगर आप 6 से 7 किलोमीटर चल के जाना चाहें तो जा सकते हैं। बाकी दर्शन कर अब चलते हैं नीचे, हर हर महादेव। तो इस तरह हमारे पंच केदार यात्रा के प्रथम केदार केदारनाथ जी के दर्शन हमारे सफल रहे। अब वापसी की ओर चलेंगे, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हम नीचे पहुंचेंगे उतने ही जल्दी हम दूसरे केदार के दर्शन के लिए प्रस्थान कर पाएंगे। चल रहे हैं वापसी की ओर, वापसी की ओर देखते हैं कितनी जल्दी हम नीचे पहुंच सकते हैं। नीचे जाने से पहले कुछ पेट पूजा की जाए क्योंकि नीचे जाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हमारे भैया जी अभी पराठे बना रहे हैं। अब बात है वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो हमें जल्दी से जल्दी नीचे पहुंचना था। जल्दी नीचे पहुंचने के लिए हमें जल्दी जल्दी पैर चलाने थे, लेकिन हमारे पैर थक चुके थे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते जा रहे थे, जितना हो पा रहा था उतना चलते जा रहे थे। मैं और मेरा बैकपैक जा रहे हैं अब गौरीकुंड, जहां से हम जाएंगे सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से हम जाएंगे उखीमठ।
देखते हैं हमें बस मिलती है फिर शेयर टैक्सी मिलती है क्या मिलती है, अभी वहाँ जाके पता चलेगा। प्लास्टिक का ढेर देखकर तो यही लगता है कि लोगों का ये वही सुकून है जो लोग शहरों से ढूंढते हुए पहाड़ों तक आते हैं और यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। नीचे पहुँचे गौरीकुंड जहाँ से हमने सोनप्रयाग तक के लिए शेयर टैक्सी ली। मैं भी चल रहा हूँ, लगभग 2 किलोमीटर चल के आया हूँ। इतना चलने के बाद मेरी और भी ज़्यादा हालत अभी से ख़राब हो रही है, पर देखते हैं। अभी मुझे लेनी है टैक्सी गुप्त काशी की, क्योंकि गुप्त काशी से मिलेगा ऊखी मठ के लिए, यहाँ से कुछ भी डायरेक्ट नहीं मिल रहा है। तो शेयरिंग बेसिस पे जाना है तो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। यहीं पे अगर मेरी खुद का व्हीकल होता, बाइक स्कूटी या कार होती, तो यहाँ पे आराम से हम भगाते हुए लेके जा सकते थे और विदिन 2 घंटे से 3 घंटे के अंदर पहुँच सकते थे, बट देखते हैं क्या मिलता है हमें। सोनप्रयाग में आकर मैंने सबसे गलत डिसीजन लिया, मैंने गुप्त काशी के लिए शेयर टैक्सी ली। जहां पहुंचकर मुझे कोई भी साधन नहीं मिल रहा था, केवल बुकिंग वाले साधन ही वहां से अवेलेबल थे। अंत में मैंने किसी और की बुक्ड जीप में पीछे सीट लिया और उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद कुंड तक उतरने का फैसला किया। अब कुंड से उतर कर मैं यहाँ पर ऊखीमठ के लिए शेयर टैक्सी और बस ढूंढने लगा, जो कि फिर से नहीं मिलने लगी और मेरा फिर से 1 घंटा वेस्ट हो गया। जिसके बाद मुझे 2 स्कूटी वाले जाते हुए दिखे, जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी और मुझे पता चला कि वो मेरे शहर के ही निकले, जिन्होंने मुझे मध्य महेश्वर द्वार पर छोड़ा, जो कि मुझे पहले ही उधर जाना चाहिए था सबसे पहली टैक्सी से। दूर तक जाना है, फिर वहाँ हमें रांसी विलेज पड़ेगा, रांसी विलेज में हमें स्टे देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से हम एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल हम ट्रैक शुरू कर सकते हैं। यहाँ से मध्यमेश्वर ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स दिखा रहे हैं। अभी मैंने बात की है एक लोकल से, उन्होंने कहा है कि जो प्रवेश द्वार है उससे थोड़ा सा आगे मैं चलता जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर होगा, ज़्यादा नहीं, 500 मीटर 1 किलोमीटर, वहाँ पे मार्केट है ऊखीमठ की, वहाँ से मिलेगा रांसी विलेज के लिए, जहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होगा मध्यमेश्वर का। ऊखीमठ टैक्सी स्टैंड पहुँचा तो वहाँ पता चला कि कोई भी टैक्सी बिना बुकिंग के रांसी विलेज तक नहीं जाएंगी, जो कि 22 से 25 किलोमीटर दूर था ऊखीमठ से। मैं अभी पहुंच चुका हूं ऊखीमठ में और यहां मैंने एक होम स्टे तो नहीं है, एक देवभूमि होटल करके है, काफ़ी थोड़ा बार्गेन किया मैंने और उसके बाद अप्रॉक्स अपने बजट में मैंने इस रूम को लिया है और अब यहां पे डिनर करूंगा अच्छे से पेट भर के, क्योंकि कल मॉर्निंग में मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलना है। टैक्सी वाले भैया से बात करिए, आज रात में वैसे निकलने का मेरी पूरी कोशिश थी कि आज रात में निकलता मैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला यहाँ से। और इनफैक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यही एक नेगेटिव साइड होता है कि आपको उनके टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब मैं कल मॉर्निंग का वेट कर रहा हूँ, कल मॉर्निंग तक यहीं पे रेस्ट कर रहा हूँ, कल मॉर्निंग में यहाँ से निकलूँगा मैं टैक्सी से रांसी विलेज, जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। रात्रि का भोजन मैंने पेट भर के किया, क्योंकि मुझे रिकवरी करनी थी और अगले दिन के लिए एनर्जी भी इकट्ठा करनी थी। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोशीमठ। यहाँ पे अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी भी उठा हूँ मैं, जस्ट अभी फ्रेश होना है मुझे। फ्रेश होने के बाद सुबह 5:30 बजे जाकर नीचे बैठ जाऊँगा रोड पे, क्योंकि एक टैक्सी वाले भैया से बात हुई है, बट देखते हैं लेके जाएंगे मुझे या नहीं लेके जाएंगे, अदरवाइज मुझे वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है सुबह 10 बजे तक, तो जल्दी से फ्रेश होते हैं और शुरू करते हैं आज का दिन। थरार महादेव। गुप्त काशी जो पीछे आप मार्केट देख रहे हैं, अभी नीचे जो हमारी मार्केट है जोशीमठ की, यहाँ से हमें मिलेगी टैक्सी, हमें जाना है सीधा आगे रांसी विलेज, जहाँ से हमारी मध्यमेश्वर की यात्रा शुरू होगी। अब सुबह उन ड्राइवर भाई साहब ने बुला तो लिया, लेकिन एंड मोमेंट पर डिच कर दिया। मैं बैठ कर वेट करने लगा, 5:30 बजे से लेकर 7:30 हो गए, मैं वेट ही करता रह गया और मुझे कुछ भी नहीं मिला। टैक्सी यूनियन वाले मुझे फोर्स करने लगे कि आप बुक करिए तभी गाड़ी आगे जाएगी। इसके वजह से मैं परेशान होने लगा, क्योंकि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था और मेरा यहाँ पे समय वेस्ट हो रहा था। लेकिन तभी महादेव परीक्षा तो ले रहे थे, फिर साथ देने भी आए। एक स्कूटी से एक साथी आए और उन्होंने कहा, हाँ चलिए मैं आगे छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, इससे और अच्छी क्या बात हो सकती है। फटाफट मैं स्कूटी पर चढ़ के बैठ गया। अब मैं बातें करते करते उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे रांची तक छोड़ दीजिए, ताकि मैं यात्रा आज कर सकूं।
फाइनली रीच रांची के आगे 2 किलोमीटर एक पॉइंट है जहाँ तक रोड बनी हुई है। यहाँ पे इन भैया ने छोड़ा जो स्कूटी वाले भैया हैं। अब यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। मैंने उतरते ही शुरू कर दिया चलना, क्योंकि कैसे भी करके शाम तक पहुँचना है ऊपर टेंपल के पास। एक पॉइंट पर आके ऐसा कुछ बन जाता है जहाँ पे हमारा पैदल मार्ग नीचे के लिए दिखाया हुआ है। ऊपर रास्ता है, आगे जाके वो बंद हो रहा है तो हमें नीचे की तरफ जाना है। चलिए। अच्छा, ये मारते भी हैं। लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर बता रहे हैं मधुमेश्वर, जो पुराना बोर्ड एक लगा हुआ है। बाकी देखेंगे कैसा रास्ता है। मैं मधुमेश्वर जा रहा हूँ, देखिए ज़रा पूरा रास्ता आगे तक खाली और पूरा रास्ता पीछे तक खाली। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, मतलब एक सेक्लूडेड सा प्लेस है ये, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग तो आते नहीं हैं। तो थोड़ा आप देखिए जंगलों के बीच में जैसी आवाज़ आती है वैसी कुछ आवाज़ आ रही है, चिड़िया की चहकने की और ये सारी चीज़, पानी के झरने की, फ्रेश क्लियर साउंड। और यही साउंड होता है जो हमें ह्यूमन बींग को चाहिए होता है, टू रिलैक्स, टू डी स्ट्रेस। ये जो साउंड होता है हमारी वाइब्रेशंस हाई करता है। तो अगर इस साउंड के बीच में आप जितना ज़्यादा रहेंगे उतना आप ज़्यादा अच्छे निखर पाएंगे। शुरुआत के 3 से 4 किलोमीटर नीचे की तरफ गौंडार गांव की तरफ उतरना था, जिसकी वजह से मेरे लिए थोड़ा इजी था क्योंकि मुझे उतरने में आसानी रहती है। गौंडार गांव पहुंचने से पहले एक बहुत ही विशाल काय झरना आता है, जिसे देखकर तो मन खुश आनंदमय हो जाता है। मधुमहेश्वर मंदिर 12,000 फीट की ऊंचाई पर चौखंबा शिखर की तलहटी में स्थित है। मधुमहेश्वर द्वितीय केदार है। यहाँ भगवान शंकर के मध्य भाग यानी कि नाभि के दर्शन होते हैं। दक्षिण भारत के शिव पुजारी केदारनाथ की तरह यहाँ भी पूजा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार नैसर्गिक सुंदरता के कारण ही शिव पार्वती ने मधुचंद्र रात्रि यहीं मनाई थी। मान्यता है कि यहाँ की जल पवित्र है, इसकी कुछ बूंदे ही मोक्ष के लिए पर्याप्त हैं। शीतकाल में 6 माह यहाँ पर भी कपाट बंद होते हैं। कपाट खुलने पर यहाँ पूजा अर्चना होती है। गौंडार गांव पहुंचकर मैंने फैसला किया कि पहले रुककर थोड़ा ब्रेकफास्ट किया जाए, बॉडी में फ्यूल डाला जाए जिससे कि बॉडी थोड़ा लंबा समय तक चल पाए। पहुंच गए हम गौंडार गांव। ये पड़ता है थोड़ा सा नीचे मधुमेश्वर गंगा के पास, और यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होती है मधुमेश्वर के लिए। तो यहाँ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी। वहाँ का भोजन स्वादिष्ट बोन फायर कुक्ड और साथ में घी नेचुरल गाय का, तो स्वाद ही अलग आ गया। जिसके बाद मैंने कॉफ़ी पी और वापस अपना थैला उठाकर चल पड़ा। बीच में एक मध्यमहेश्वर गंगा के ऊपर लोहे का पुल आया, जिसके ऊपर चलने में तो मज़ा आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो हिलने लगा तो अपनी तो हालत ख़राब हो गई और मैंने साइड का डंडा पकड़ लिया और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। धूप सर पर चढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन धीरे धीरे होने लगा था। तो मैंने थोड़ा निश्चय किया कि बैठकर थोड़ा सा हाइड्रेट किया जाए बॉडी को, उसके बाद ही चला जाए। आप भी यदि यात्रा करें तो हाइड्रेट ज़रूर रखिए बॉडी को, अगर हाइड्रेशन प्रॉपर रहेगा तभी आप लंबी यात्रा कर पाएंगे। गौंडार गांव के बाद से ही हमारी चढ़ाई शुरू होती है, और चढ़ते चढ़ते जितना मैं ऊपर चढ़ते जा रहा था उतना ही वहां का नज़ारा और सुंदर होता जा रहा था। जंगल इतना घना था कि आसपास गिरगिट के खिसकने और चलने की आवाज़ से ही ऐसा लगता था कि पता नहीं कौन है। रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ही शांत भी, मतलब कहीं कहीं थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई साथ में होना चाहिए, बट महादेव रहे मेरे साथ। कुछ दूरी पर एक खडारा गांव आया, जहां पर मैंने पेट भर के पानी पिया क्योंकि गला सूखता जा रहा था गर्मी की वजह से। उसके बाद फिर से मैंने
अपनी लगाम पकड़ी और चलने लगा था कि पीछे देखा एक छोटी सी बच्ची रो रही थी, जिसको देखकर मैं अपने बचपन की यादें ताज़ा करने लगा। तीसरा दिन था चलने का। रेगुलर 3 दिन से चलने की वजह से थोड़ा सा पैरों में थकावट होने लगी थी। नानू पार करते हुए हम कून चट्टी की ओर आगे बढ़ रहे थे, जहां पर आगे घना जंगल मिला। जंगल के बीच में मैं अकेला चलता जा रहा था, गिरगिट और छिपकलियों के बीच में, जहां पर मानव जाति जैसा एक अंश भी नजर नहीं आ रहा था। वहीं मानव जाति की पहला अंश जो दिखाई दिया वो थे मेरे सब्सक्राइबर। जयकारा वीर बजरंगी। जिनसे मुझे वापस ऊर्जा मिली और वापस एनर्जी लेकर मैं चल पड़ा मध महेश्वर। लगभग 8 घंटे चलने के बाद पहुंचने वाले हैं अब हम महादेव के दूसरे किरण मध महेश्वर। कून चट्टी पार करते हुए जैसे ही मध्महेश्वर के समीप मैं पहुंचते जा रहा था, वैसे ही मेरे रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। जैसे अलग ही एनर्जी और वाइब्रेशन आती जा रही हो शरीर के अंदर। पूरा शरीर हार मान गया था, लेकिन वहां जाते ही ऐसी एनर्जी आई कि वापस भागते हुए मैं नीचे जाने लगा। मध महेश्वर के दर्शन कर मन पावन और आनंदमय हो गया, जिसके समीप बैठकर मैंने अलग ही वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करी। कुछ देर वहां पर बैठा और फिर निश्चय किया, चलिए रात होने से पहले नीचे चला जाए। मंदिर के समीप बैठकर वहां से निकलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए करना था, जल्दी से जल्दी यात्रा करनी थी, तो हमें नीचे जल्दी उतरना था, जिसकी वजह से मैंने वापसी का निश्चय किया। अब वापस जाने का निश्चय तो कर लिया था, लेकिन वापस जाते हुए रात हो जानी थी, जिसकी वजह से मैंने किसी और को साथ में लेके वापस जाने का निश्चय किया, लेकिन मुझे कोई भी साथी नहीं मिला, जिसकी वजह से 1 से 1.5 घंटे मुझे वहाँ पर बैठना पड़ा। रात हो चली है और मुझे मिले हैं हमारे पार्टनर जी, लेके चल रहे हैं हमें नीचे तक, क्योंकि बाहर पे यहाँ पे लाइट नहीं है बिल्कुल भी, तो एक ना एक साथ में होना जरूरी है। तो आपका नाम क्या? सुंदर सिंह पंवार। सुंदर सिंह पंवार। अच्छा, यहाँ पे सारे पंवार ही रहते हैं? हाँ, ज्यादातर के लोग। और मैंने कहा था ना आपको कि भगवान परीक्षा भी लेते हैं और साथ भी देते हैं। अंत में एक पंवार जी आए जिन्होंने मुझे राह दिखाई और साथ में मेरे नीचे नानू विलेज तक गए। ऑलमोस्ट नानू के आसपास एक मिली है शॉप जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, और यहाँ पे लगभग 800 से 1000 रुपये आपका चार्ज रहेगा। अगर आप स्टे करना चाहें स्टे कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे जाना चाहें इतने अंधेरे में जा सकते हैं। पैरों को इतना घिसने के बाद पैरों में छाला ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कुछ रूम मिला है जहाँ पे अभी हम स्टे कर रहे हैं और मैं सोने वाला हूँ। रात के 9:30 बजने वाले हैं, टाइम नहीं देखा मैंने, लेकिन ज़्यादा हो सकता है। अब सोइए फटाफट, क्योंकि कल सुबह कैसे भी करके रांची पहुँचना है। डॉर्मेटरी में सो रहे साथ वाले लोगों के खर्राटों की आवाज़ सुनकर मेरी नींद 3 बजे ही उड़ गई। तब से जगा रहा मैं और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह के बज रहे हैं 6, बिना टाइम वेस्ट किए नीचे की तरफ चल पड़ा हूँ। पैर में थोड़ा सा एक छाला पड़ गया, इस वजह से थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है, बट कोशिश करेंगे कि रांची हम 4 घंटे के अंदर पहुँच जाएँ, क्योंकि अगर हम 10 बजे 11 बजे तक नहीं पहुँचे तो हमें शेयर टैक्सी नहीं मिलेगी, पूरी गाड़ी बुक करके जाना पड़ेगा,
जो कि मुझे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो चलते हैं फटाफट, अब जल्दी। वी आर ऑलमोस्ट देयर, हम पहुंचने वाले हैं वो जो आपको घर दिख रहे हैं, वहाँ पे हमारी टैक्सी मिलेगी, शेयर टैक्सी, जहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मध्य महेश्वर यात्रा हमारी समाप्त होती है। इसके साथ हमने शुरू की थी यात्रा, अब इसी के साथ हमारी यात्रा समाप्त हुई। चलते हैं अब रांची, जहाँ से हमें टैक्सी मिलेगी उखीमठ के लिए, फिर वहाँ से जाएंगे हम चुप पार्ले जी विद स्पेशली गाय का दूध। भगवान के आशीर्वाद से मैं जल्दी सुबह नीचे पहुंच गया, जिसकी वजह से मैं शेयर टैक्सी को पकड़ पाया। अदरवाइज़ अगर शेयर टैक्सी चली जाती तो मुझे यही गाड़ी बुक करके जानी पड़ती। मैं पहुंचा जोशीमठ, जहां पर मैंने सबसे पहले, नवरात्रि का दिन था तो छोले और समोसे खाए और अपनी गाड़ी का वेट करने लगा। अभी हम खड़े हैं उखीमठ में और यहाँ पर टैक्सी का वेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि टैक्सी यहाँ पर जब तक शेयर टैक्सी है, जब तक फुल नहीं हो जाती उनकी सीट, तब तक वो चलते नहीं है, वही वेट कर रहा हूँ। और जैसी फुल होती है चलते हैं तुंगनाथ मंदिर के दर्शन के लिए, हमारे तीसरे केदार के लिए। अभी नीचे हम ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर वॉक करके जा रहे हैं, जहाँ से हमें चोपटा के लिए गाड़ियाँ मिल सकती हैं, ट्राई करते हैं जाके। वापस आ गया हूँ मैं उसी पॉइंट पे, ये है पीछे मेरे मधुमहेश्वर द्वार, जहाँ से ऊपर की तरफ ये कट जाता है जोशीमठ मार्केट, जहाँ पर टैक्सी यूनियन सबसे गंदा है। मैं रिव्यू -5 दूँगा 5 में से। और ये जो रास्ता देख रहे हैं यहाँ केदारनाथ से आता है और ये सीधा जाता है आपका बद्रीनाथ की तरफ। तो इस रास्ते तक अगर आप आ जाओ तो आपको टैक्सी यूनियन से टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से आते जाते बहुत सारी आपको टैक्सी मिल जाएगी। नीचे आते ही महादेव ने जैसे लिख रखा हो कि जब तक तू कर्म नहीं करेगा तो तुझे फल कैसे मिलेगा, मैं नीचे आया और नीचे आते ही मुझे शेयर टैक्सी मिली, जो कि केवल 200 रुपये में मुझे चोपटा तक ले गई। वहीं ऊपर अगर मैं जोशीमठ से लेता तो मुझसे 2000 रुपये ले रहे थे। चोपटा टूरिस्ट के लिए एक हॉटस्पॉट है, जिसके वजह से वहां पर काफ़ी भीड़ पहुंचती है। हमारे ड्राइवर भाई साहब ने भीड़ देखकर गाड़ी पहले ही रोक दी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा और चल के जाना पड़ा। चोपटा पहुंचकर मैंने पहले सोचा कि आज रेस्ट किया जाए और कल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में यात्रा की जाएगी, लेकिन जैसे महादेव ने निश्चय कर रखा था कि पहुंचते ही मैं मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होने लगा, अपने आप मेरे पैर सीढ़ी की तरफ चढ़ने लगे और मैं चल पड़ा महादेव की तरफ। अब हम चल रहे हैं हमारे तुंगनाथ मंदिर तृतीय केदार के पास। तुंगनाथ मंदिर भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर भगवान शिव की भुजा के रूप में आराधना होती है। चंद्रशिला चोटी के नीचे काले पत्थरों से निर्मित यह मंदिर बहुत रमणीक स्थल पर निर्मित है। कथाओं के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर को 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। ₹3.5 किलोमीटर का ट्रैक लिखा गया। लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर के इस छोटे से ट्रैक में आपको प्राकृतिक सौंदर्यता भरपूर दिखेगी। जैसे जैसे मैं मंदिर के समीप चलता जा रहा था, वैसे वैसे मेरे शरीर के अंदर प्राणवायु प्राण ऊर्जा बढ़ती जा रही थी। आज मेरा चौथा दिन था लगातार चलते हुए और आज मेरे तीसरे केदार के दर्शन होने जा रहे थे। मेरे पैर लगभग जवाब देते जा रहे थे इतने भारी भरकम शरीर और साथ में इस बैग को उठाते उठाते। चौथा दिन है तीसरे के बाद। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है, इसीलिए लोग इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। और इसी के साथ हमारे चौथे दिन के अंदर तीसरे केदार के दर्शन सफल रहे। दर्शन तो बहुत ही अच्छे से हुए, लेकिन जैसे ही बाहर की तरफ आया तो बारिश बहुत तेज हो रही थी। यहाँ पे हो रही है बारिश और हम अभी फंसे हुए हैं, नीचे नहीं जा सकते। कैसे भी करके मुझे नीचे जाना पड़ेगा, वेट कर रहा हूँ नीचे जाने के लिए, बट बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। इतनी तेज बारिश में नीचे की तरफ उतरना गलत डिसीजन हो सकता था, इस वजह से मैंने रुकने का फैसला किया छावनी में, जहाँ पे मैं बच सकूँ बारिश के पानी से। लगभग आधे से पौने घंटा वेट करने के बाद जब बारिश नहीं रुकी तो मैंने फैसला किया कि अब रेनकोट पहन के और अपने बैग को भी रेनकोट पहना कर नीचे निकलना चाहिए, अदरवाइज यहीं पर हमारी रात हो जाएगी। और रेनकोट पहनकर जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ चलते जा रहा था, वैसे वैसे मौसम क्लियर होते जा रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, एक तरफ चांद आ चुके हैं और एक तरफ सूरज ढल रहे हैं। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं वापस जहां से हमने यात्रा शुरू करी थी, तृतीय केदार तुंगनाथ महादेव के पास। अब चल रहे हैं हम सागर विलेज, वहाँ पे स्टे करेंगे क्योंकि रात हो चुकी है। पहले देखते हैं कुछ व्हीकल मिलता है या नहीं, उसके बाद अगली यात्रा होगी हमारी रुद्रनाथ। नीचे आते ही भगवान ने मानो सब कुछ तय करके रखा था। शरीर तो टूट चुका था, बैठने की भी हालत नहीं थी, सीधा लेटने की इच्छा हो रही थी। सगर गांव तक जाने के लिए एक व्हीकल मिला जिसने कि मुझे सगर विलेज छोड़ा, जहाँ से कि अगले केदार की यात्रा शुरू होनी है। चुके हैं एक गेस्ट हाउस में, होम स्टे है ये, गेस्ट हाउस होम स्टे कुछ भी बोल सकते हो। और यहाँ पे हम स्टे करेंगे रात भर, थोड़ा बजट के अकॉर्डिंग मैंने अपने लिए किया है क्योंकि कल मॉर्निंग वैसे निकलना 5-6 बजे रुद्रनाथ ट्रैक के लिए। चलिए दिखाता हूँ रूम कैसा मिला मुझे यहाँ पे। सागर विलेज है, यहाँ तक के लिए मैंने टैक्सी ली, यूनियन वालों ने बहुत हेल्प करी, मतलब उन्होंने कहा आप खड़े रहिए मैं आपके लिए गाड़ी बुलाता हूँ, और उन्होंने टैक्सी बुलवाई। उस टैक्सी में अकेले बैठ के मैं आया हूँ, और मतलब बुकिंग वाली चीज़ बिना बुकिंग वाली रेट पे, तो मेरे लिए तो बस ये था कि महादेव मेरे साथ है। बाकी चलते हैं देखते हैं। भोजन पेट भर के करना था क्योंकि रिकवरी तो करनी ही थी, साथ में अगले दिन के लिए एनर्जी ठूस ठूस के भरनी थी क्योंकि अगले दिन सबसे कठिन केदार की यात्रा होनी थी। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सगर विलेज। गोपेश्वर के से लगभग 5 किलोमीटर पहले सगर विलेज पड़ता है, वहां से शुभ प्रभात आप सभी को। यहाँ अब मैं रेडी होऊंगा, और देखो सारा बिछा दिया था अंजाम, इसमें से मुझे कपड़े छाटने पड़ेंगे क्योंकि मैं एक्स्ट्रा लगेज लेके कैरी करके ऊपर नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये 5 केदार में सबसे हार्डेस्ट ट्रैक है। और इस यात्रा के लिए मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके हल्के से हल्का रहूँ। अगर मैंने हैवी लिया कुछ भी, जैसे कि मैंने मध्य महेश्वर या फिर टुंगनाथ में लिया था, तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी और मैं कम ट्रैवल कर पाऊंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़े हल्के लगेज लेके जाऊं, जितना ज़रूरी है उतना ही लेके जाऊं। चलिए बाकी पैकिंग करते हैं, रेडी होते हैं और शुरू करते हैं अपनी महादेव की यात्रा को।
मुझे लग रहा है मेरे शोल्डर पे स्ट्रैप्स की वजह से, स्ट्रैप्स के घिसने की वजह से, और वो जो गर्मी पैदा करते हैं उसकी वजह से थोड़ा सा दाने निकल आए हैं। मे भी रेनकोट की जरूरत पड़े, लेके चलते हैं। बारिश, पहाड़ों पे बारिश का मौसम का कुछ पता नहीं रहता कब आ जाए। जल्दी से जल्दी चल के नाश्ता करते हैं और शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। हर हर महादेव का नाम लेते हैं। ये जो मेरा आगे बैग देख रहे हो, ये मुझे छोड़ना है, और जो मेरे पीछे बैग है ये मुझे लेके जाना है। हम रुके हुए थे हरियाली रिजॉर्ट का भी, जो मैंने नाम पढ़ा, यहाँ पे मैंने डिनर किया था, और डिनर के बाद अब यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करके निकलूँगा यात्रा पे। पीली बिल्डिंग के साइड में आपको ऊपर की तरफ रास्ता दिखेगा, नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर, वहाँ पे आपको सीमेंटेड दिखेगा ऊपर जाने का, जैसे मुझे दिख रहा है। वहाँ पे आवश्यक निर्देश भी मैं कुछ लिखा हुआ यार रुद्रनाथ के लिए। ओ यही है, ओहो। चलो शुरू करते हैं यात्रा महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव। आज हमें जाना है रुद्रनाथ मंदिर। वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे नगर पालिका बिल्डिंग है, जहाँ से पहाड़ों के साइड से होते हुए इधर आए हैं, अभी जा रहे हैं आगे। चतुर्थ केदार के रूप में भगवान रुद्रनाथ विख्यात है। यह मंदिर समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर एक गुफा में स्थित है। बुग्यालों के बीच गुफा में भगवान शिव के मुखरविंद अर्थात चेहरे के दर्शन होते हैं। भारत में यह अकेला स्थान है जहां भगवान शिव के चेहरे की पूजा होती है। एकानन के रूप में रुद्रनाथ भी, चतुरानंद के रूप में पशुपतिनाथ नेपाल में, और पंचानन विग्रह के रूप में इंडोनेशिया में भगवान शिव के दर्शन होते हैं। रुद्रनाथ के लिए एक रास्ता उर्गम घाटी के दमुक गांव से गुजरता है, लेकिन बेहद दुर्गम होने के कारण श्रद्धालुओं को यहां पहुंचने में 2 दिन लग जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर श्रद्धालु गोपेश्वर के निकट सगर गांव से यहां के लिए यात्रा शुरू करते हैं। शीतकाल में रुद्रनाथ मंदिर के भी कपाट बंद रहते हैं। इस दौरान गोपेश्वर में भगवान रुद्रनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। चौथे केदार की यात्रा सबसे टफेस्ट केदार की यात्रा मानी जाती है, क्योंकि लोग यहाँ पे 2 से 3 दिन तक चढ़ने में लगा देते हैं। इतने घने जंगलों के बीच में मैं अकेला चलते चलते लगभग ऐसे सोचने लगा था कि शायद मैं एक जगह बैठकर पहले किसी के आने का वेट करूं, या फिर किसी के जाने का वेट करूं, क्योंकि मुझे ना तो रास्ता पता था और ना ही इस घने जंगल में कोई व्यक्ति दिख रहा था। काफ़ी दूर चलने के बाद मुझे मेरे दो साथी और एक ये 3 साथी मेरे साथ में चल रहे हैं, हमें सपोर्ट मिल जाएगी यात्रा के लिए। लेकिन महादेव ने मेरे लिए इस यात्रा पर कुछ अलग ही लिखा था, जिसमें से एक एनसीसी कैडेट हैं और एक हैं डॉक्टर, जिन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। बातें करते करते रास्ते कटते जा रहे थे, प्रकृति का मज़ा भी आता जा रहा था। पैर तो बहुत ही ज़्यादा दुख रहे थे, लेकिन पैरों के दुखने का सब कुछ दर्द दुख भूल चुका था मैं, और केवल पंच केदार की यात्रा को कम समय में पूर्ण करने का ही लक्ष्य मेरे सामने दिख रहा था। जो कि आज तक किसी ने नहीं किया, पंच केदार की यात्रा 5 से 6 दिन के अंदर मैं कंप्लीट करने वाला था, पहला इंसान बनने वाला था। ऑलमोस्ट वहाँ से चलना शुरू किया था, वहाँ पे एक बुग्याल है। बहुत
ज़्यादा टफ है, एनर्जी डबल कंज्यूम करती है, ऊपर से धूप तेज है। आपका कैंप है जहाँ पे आपको रेस्ट के लिए और खाने के लिए मिल सकता है, जहाँ तक हो सके यहाँ पे आपको सोने के लिए भी मिल सकता है अगर आप हॉल्ट लेना चाहें। हमारा दूसरा कैंप था अलविति बुग्याल, जहाँ पर हम नाश्ता करने के लिए रुके थे, जहाँ पर मैंने दूध ऑर्डर किया लेकिन दूध फट गया वापस आते ही, इसलिए मेरा नाश्ता भी वेस्ट हो गया और मैं ऐसे ही ऊपर की तरफ चल पड़ा। अलविति बुग्याल के आगे हमारा पड़ता है पनार बुग्याल, जहाँ पर फॉरेस्ट रेंजर मिले जिन्होंने मेरा परमिट चेक किया। परमिट मेरे पास नहीं था, इस वजह से उन्होंने ऑन द स्पॉट मेरा परमिट बनाया मेरा आधार कार्ड के साथ। आप भी जाएं तो आधार कार्ड कैरी करके जाएं। पनार बुग्याल पे पहुंचते ही जो वहां का नज़ारा था देखते ही ऐसा आनंदमय हुआ कि मैं तो अब यहीं रहूँगा अगले 5 दिन, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था। कुछ ही क्षणों में हमें यहाँ से आगे की तरफ बढ़ना था। इतने दिनों से रेगुलरली अपने टांगों को घिसने के बाद आज दोबारा से 5वें दिन मैं चौथे केदार की तरफ चल पड़ा हूँ टांगों को घिसने के लिए, तो टांगों को थोड़ा सा रिलैक्स करना तो बनता है। वहाँ पर बैठे कुछ पक्षी मिले जिनको रोटी के टुकड़े डाले तो वो उछल कूद करके आने लगे और खाने लगे। लगभग 1 बजे के आसपास हम वहाँ से निकले, आगे की ओर चल पड़े। आगे हमारा आने वाला है पितृधार, जो कि है रुद्रनाथ ट्रैक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, जिसके बाद मंदिर के लिए तो हमें ढलान में नीचे की तरफ उतरते रहना है। बादलों से पूरा ढका हुआ है ये वाला स्पेस, लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा हमें कि कितना हमें दूर जाना है, कहाँ पे हमारा पॉइंट है, तो इसकी वजह से हम थोड़े से ढीले पड़ते जा रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये है पितृधार, यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर रहते हैं अभी। ये हमारे साथ आए हैं, देखिए कैसे लेट हुए। और हमें लगभग वो जो आपको नीचे रास्ता दिख रहा है उससे भी आगे जाना है। तो यहाँ तक एनर्जी कैसे भी करके खींच के लाना है आपको, इसके बाद आपको एनर्जी ज़्यादा खींचनी नहीं है, इसके बाद ढलान में आपका शरीर अपने आप नीचे जब चलता जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद जैसे ही पानी का स्रोत दिखा वैसे ही ऐसा मन हुआ कि पेट भरकर आज सागर पी लूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए था क्योंकि अगर पेट भर के पी लूं तो पेट दर्द होने लगेगा चलने के लिए। वैसे तो मैं ढलान की तरफ चल रहा हूं, लेकिन अगर मैं एक बार आपको पीछे का व्यू दिखाऊं, आप यकीन नहीं मानोगे किस जगह पर आया हूं मैं। जरा देखिए पूरा मून, वो ग्लेशियर की इतनी सारी पीक्स वहां तक है, आनंद ही आनंद, मतलब वर्ड्स ही नहीं निकल रहे, इतने आनंद में हूं मैं। मेरी पहली झलक के लिए यहाँ पे लगा रखा है हर हर महादेव। तो मंदिर के हमें पहले दर्शन हो चुके हैं, अब जल्दी से क्लोज नियर बाई चलते हैं। जैसे ही फर्स्ट होम स्टे दिखा मैंने फटाफट अपना बैग रखा और उन्हें कहा भैया मेरे एक बेड बुक कर दीजिए, 450 रुपये में खाना और रहना मेरा बुक कर दिया। और बाहर निकल मंदिर की प्राकृतिक सौंदर्यता देखने के लिए चल पड़ा। हाँ,
वन बेड लिया है, एक एक बिस्तर 450 रुपये इंक्लूडिंग मील। यहाँ पे आगे से लेकर पीछे तक जितने भी यहाँ पे हाउसेज मिलेंगे आपको सब जगह यही मिलेगा। अरेंजमेंट ऐसा कुछ मिलेगा जहाँ पे आपको अच्छा खासा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलेगा सोने के लिए। खाना भी अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत वाला नहीं है, आप पेट भर के खा सकते हैं, इंक्लूडिंग 450 रुपीज़ सब कुछ दोनों। और अभी मैं इन भाई साहब का थैंक यू बोलूँगा, मेरा GoPro मतलब Insta360 मंदिर के पास रह गया था और मेरी तो जान निकल गई थी कि मेरा जितना डाटा है सारा निकल गया, बट इनकी वजह से ये ढूंढने गए और मिल गया, तो थैंक यू इनको। बाकी अब हम सोते हैं, गुड नाइट करके जल्दी से, क्योंकि कल सुबह निकलने के लिए हमें जल्दी सोना पड़ेगा, तभी हम सुबह जल्दी जा पाएंगे, क्योंकि कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए स्पेशली। चलो मिलते हैं आपसे कल। आज है छठा दिन, आज ही के दिन मुझे पंच केदार की यात्रा पूर्ण करनी है, देखिए क्या मैं आज कर पाऊंगा। चलिए सुबह के बज रहे हैं 5:30, अब वापसी की ओर निकल रहे हैं हम। धन्यवाद महादेव बुलाने के लिए, वापसी चलते हैं। लगातार छठे दिन फिर से मैंने अपना बैग उठाया और फिर से उन्हीं टांगों को घिसने शुरू कर दिया, चल पड़ा मैं अपनी लक्ष्य की तरफ। तो अभी हम आ गए हैं पितृधार, ये जो आप देख रहे हो मतलब पॉइंट पितृधार का है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर की चढ़ाई है वापसी की तरफ, इसके बाद अब डायरेक्ट धान है। जब पास में हो आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। पीछे देखिए नजारा, आगे हम लास्ट बुग्याल पे, और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर और नीचे है तो मैं आ चुका हूँ। देखिए नीचे रोड दिख रही है। नीचे आते ही सर्वप्रथम मैंने चेंज किया, फ्रेश हुआ और लंच किया। लंच बहुत ही टेस्टी था, खाना खाते ही मैंने रेडी किया अपने आप को अगले केदार यात्रा के लिए। अभी जस्ट लंच किया मैंने इसी जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम रुद्रनाथ जाने से पहले मैंने लंच किया था, वहीं पे अभी जस्ट मैंने लंच किया है और अब लंच करके निकल रहा हूँ मैं। वेट कर रहा हूँ कोई मिल जाए जाने के लिए हमारे कल्पेश्वर तक, क्योंकि काफ़ी दूर है रास्ता और शेयर टैक्सी बहुत ही तोड़ तोड़ के यानी 3 से 4 बार में पहुँचना पड़ेगा, बट देखते हैं कैसे पहुँचते हैं। सगर विलेज से मैंने गोपेश्वर होते हुए चमोली विलेज तक की लिफ्ट ली स्कूटी पे, जहाँ मुझे बस मिली डायरेक्ट जोशीमठ जाते हुए, जिस पे मैं बैठ गया। मैंने बस ली है केलंग के लिए और ये इसने लंच के लिए यहाँ पे रोक लिया है, मतलब बस चले हुए आधे घंटे हुए होंगे और यहाँ पे बस रुक गई है। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी वैसे वैसे मेरी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी कि क्या मैं आज 5वें केदार के दर्शन कर पाऊँगा, क्या आज ही के दिन मैं ये रिकॉर्ड बना पाऊँगा। चलिए देखते हैं मुझे क्या महादेव ने मेरे लिए लिखा था। हेलन कट पे जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे अब कुछ नहीं मिलने वाला। पीछे जो आप गेट देख रहे हो यहाँ पे अभी बस मुझे उतार के गई है, और पीछे अगर मैं आपको वैली दिखाऊँ ये है कल्पेश्वर वैली पूरी, यहाँ से आपकी कुछ ना कुछ व्हीकल जाता है जो आगे की तरफ लेके जाता है आपको कल्पेश्वर महादेव यानी कि हमारे 5वें केदार, जो कि कहा जाता है कि ऑन रोड है, बट देखते हैं कि कैसा है, ऑन रोड है या फिर ऑफ रोड है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक लोडेड गाड़ी वापस उर्गम विलेज की तरफ जा रही थी, तो उन भैया से मैंने लिफ्ट मांगी और उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी।
अभी अभी हमें लिफ्ट मिल गई है, हमारे भाई साहब जी हमें लेके जा रहे हैं उदम तक। वहाँ से देखते हैं हमारा मंदिर का रास्ता कितना है। वैसे मंदिर वहाँ से कितना है? उर्गम से जाती है। उन्होंने मुझे पूरा उर्गम विलेज तक छोड़ा, जहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर आपकी कल्पेश्वर महादेव तक की डिस्टेंस है। तो उन्होंने मुझे अभी उर्गम विलेज छोड़ा है, यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है हमारे कल्पेश्वर महादेव जी। चलिए देखते हैं कुछ मिलता है अभी या फिर कल ही दर्शन हो पाएंगे। तो अभी मैं चलता जा रहा हूँ, लगभग रात हो चुकी है और जो 1.5 से 2 किलोमीटर था फिर से ट्रैक कर रहा हूँ मैं। देखते हैं क्या सीन रहता है। पीछे देखिए पूरा शहर, चांद और कुछ माउंटेन्स पीक्स दिख रही होंगी। बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है हमारे लिए। जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था, दिल की धड़कनें डबल स्पीड से बढ़ती जा रही थी कि क्या आज ही के दिन मैं दर्शन कर पाऊंगा, क्या आज मुझे महादेव दर्शन देंगे। घंघोर जंगल के अंधेरे में मैं चलता जा रहा था, ना एक लाइट, केवल एक महादेव ही मेरी रोशनी थे जिनको मैं फॉलो करते हुए चलता जा रहा था। पीछे देख रहे हैं हमारे मंदिर पीछे ही हैं, बट मैं जब पहुंचा मेरे सामने पंडित जी निकले हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की काफ़ी बार कि एक मिनट के लिए बस दर्शन करवा दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा आप जाइए। तो रात में पता भी नहीं चलता, मैं गलत रास्ते पे चला गया था, मैं ऊपर चला गया था, ऊपर से देख रहा था बट वहाँ से रास्ता नहीं मिला मंदिर का। अब मैं नीचे से जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है। ये एक पुल है जहाँ पे लोहे का पुल बना हुआ है और मैं उसको पार कर रहा हूँ। सामने आप देख सकते हो मंदिर की लाइट जल रही है। ये कुछ सीढ़ियाँ हैं स्टार्टिंग में जिसके ऊपर से चढ़ के हम जा रहे हैं ऊपर। तो मेरा बैकपैक है, ऊपर से मैं भाग रहा हूँ इसलिए सांस फूल गया। मंदिर के समीप गया तो मंदिर में पता चला कि केवल एक ही साधु रहते हैं और कोई नहीं। दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था, आस पास कोई भी नहीं था। मैं मानूंगा कि यहाँ कोई तो था मेरे साथ और वो थे मेरे महादेव। मंदिर मंदिर अंदर अब चल रहे हैं वापसी की और दर्शन हमें बहुत ही सफल और अच्छे हुए। यहाँ पे तो आप देख रहे हो लगभग मैं ही चल रहा हूँ, महादेव मेरे साथ हैं, काल भैरव मेरे साथ हैं। चलते हैं वापस। हमारे काल भैरव भैरवनाथ जी धन्यवाद। लगभग रात के अंधेरे में मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ, दर्शन हो गए महादेव के। चलते हैं वापसी की ओर। आज की स्टोरी बिल्कुल ही डिफरेंट होती जा रही है क्योंकि मैं बैठा हूँ विद माय डिनर और एक अच्छे खासे बेड के पास। ये एक्चुअली किसी और का रूम है, उन्होंने मुझे शेयर करने के लिए दिया है। मैं चलता जा रहा था, कहीं भी होम स्टे नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक जगह पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, बट जिनके पास रूम था उन्होंने कहा दे दीजिए इनको, मैं स्प्लिट कर लूँगा। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे मिल गया एक रूम विद दिस। देखिए घर का बना खाना, जल्दी जल्दी खाएंगे, पेट भरेंगे और नींद पूरी करेंगे महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव, हमारे 6 दिन में 5 केदार पूरे हुए। अब जब हमने 6 दिन में 5 केदार यात्रा कंप्लीट ही कर ली है तो इसी नाम पे मिठाई तो है नहीं, यहाँ पे मेरे बैग में चॉकलेट्स पड़ी थी, मुँह मीठा किया गया। कंग्रेचुलेशन आपको भी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम उर्गम विलेज। यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ आपके
कल्पेश्वर महादेव जी के पास, क्योंकि रात में दर्शन तो मैंने कर लिए थे बट एक बार सुबह भी कर लेते हैं जब हैं तो साथ में, और चलता है फिर वापसी की तरफ दिल्ली की तरफ। तो इस प्रकार मेरे 6 दिन में 5 केदार की यात्रा संपन्न हुई। धन्यवाद आप सभी का मेरा साथ देने के लिए। ऐसी ही यात्रा और देखना चाहते हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिए, सपोर्ट करिए मेरे चैनल को और सपोर्ट करिए इस वीडियो को, ताकि ऐसी ही यात्रा और मैं कर सकूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव। पंचम केदार के रूप में कल्पेश्वर मंदिर विख्यात है, इसे कल्पनाथ नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान की जटा के दर्शन होते हैं, 12 महीने यहाँ भगवान शिव के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि इस स्थल पर दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे घोर तपस्या की थी, तभी से यह स्थान कल्पेश्वर या कल्प नाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अन्य कथा के अनुसार देवताओं ने असुरों के अत्याचार से त्रस्त होकर कल्प स्थल में नारायण स्तुति की और भगवान शिव के दर्शन कर अभय का वरदान प्राप्त किया। 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलना होता है, लेकिन आजकल रोड सीधी बन गई है तो आप अपनी गाड़ी मंदिर के सम्मुख भी खड़ी करके पैदल 10 सीढ़ियां चढ़ के जा सकते हैं। यहां श्रद्धालु भगवान शिव की जटा जैसी प्रतीत होने वाली चट्टान तक पहुंचते हैं। गर्भगृह का रास्ता एक गुफा से होकर जाता है। कल्पेश्वर मंदिर के कपाट साल भर खुले रहते हैं। पहले 1 से 1.5 घंटे के लिए बैठा हुआ हूँ मैं यहाँ पे, मेरा बैग रखा हुआ है और जब तक ये सवारी फुल नहीं करते तब तक चलते नहीं है, तो अभी मैं वेट ही कर रहा हूँ। तो इस प्रकार मैंने पंच केदार यात्रा 6 दिनों के अंदर संपूर्ण कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के हकदार आप भी हैं जिन्होंने वर्चुअली इस यात्रा को साथ में किया। इस यात्रा में महादेव ने मेरी परीक्षा भी ली और मेरा साथ भी दिया। अगर आप चाहते हैं ऐसी और वीडियोस देखना तो मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता ही है। धन्यवाद। नमस्कार। शंभू।